शॉकिंग थिंग्स फाउंड बाय एयरपोर्ट सिक्योरिटी। एयरपोर्ट पर पकड़ी गई ये अजीब चीजें। हवाई जहाज। हवाई जहाज का नाम सुनते ही हम सपनों की उड़ान भरने लगते हैं। हवाई जहाज ऐसे प्रकार का वायुयान है जो अपने पंखों के द्वारा गति मिलने पर हवा में उड़ता है। इसका मुख्य उपयोग वस्तुओं और लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग सेना, अनुसंधान कार्यों आदि में भी किया जाता है। मगर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग हवाई जहाज का उपयोग अपने गलत कामों के लिए करते हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं कस्टम में पकड़ी हुई उन गलत चीजों के बारे में जिनकी लिस्ट हम आज आपको बताने वाले हैं। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कुछ ऐसा हुआ जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। पुलिस ने 7 अफगानी नागरिकों को गिरफ्तार किया जिनके पास से करीब 10 करोड़ रुपए के 214 कैप्सूल हीरोइन थी। वो 16 नवंबर 2019 को 214 कैप्सूल निगलकर दिल्ली पहुंचे थे। जैसे ही वे दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर पहुंचे तो कस्टम विभाग को उन पर शक हुआ। उनको पकड़कर जब एक्सरे कराया गया तो विभाग के होश उड़ गए। उनके पेट में कैप्सूल जैसी चीज नजर आई। विभाग ने तुरंत पेट से कैप्सूल निकालने के लिए डॉक्टरों को बुलाया। डॉक्टरों की मदद से उनके पेट से 214 कैप्सूल को निकाला गया। कस्टम विभाग ने देखा कि उन कैप्सूल में हेरोइन थी। बरामद हुए कैप्सूल की कीमत करीब 10 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ये यात्री 16 नवंबर 2019 को दिल्ली में अफगानिस्तान के कंधार से आए थे। आइए सुनाते हैं एक दूसरा कारनामा जिसमें मायामी एयरपोर्ट पर एक आदमी पकड़ा गया और उनके पास मिले 20 सांप। जी हाँ, सही सुना आपने, ये आदमी अपने 20 सांप लेकर यात्रा कर रहा था। कस्टम चेकिंग के दौरान इनका पर्दाफाश हो गया तो इनकी जेब से नकदी तो नहीं पर पैसों की जगह छोटे छोटे कैसे भी बरामद हुए। अब आप सोच रहे होंगे कि सांप लेकर ये आदमी क्या करने जा रहा था। हम सब जानते हैं कि सांप का जहर कितना तेज होता है और कहीं ना कहीं उससे दवाइयां भी बनती है। वो इन्हीं सांपों को कैद करके उनकी तस्करी करने जा रहे थे और जल्द ही अमीर होना चाह रहे थे। पर इन जनाब की किस्मत में अमीर होना नहीं बल्कि जेल की चार दीवारी के पीछे रहना लिखा हुआ था, सो उनके साथ वही हुआ। जानवरों की तस्करी आज की तारीख में जैसे बहुत आम सी हो गई है कि हर कोई इन बेजुबान जानवरों की तस्करी करके पैसे कमाने में लगा हुआ है। हम व्यापारियों की क्या बात करें जब पढ़े लिखे वैज्ञानिक इन बेजुबान जानवरों का फायदा उठाने में लगे रहते हैं। जी हाँ, आइए आपको बताते हैं एक वैज्ञानिक की करतूत। ये वैज्ञानिक समुद्री जानवर सील के कटे हुए सिर को अपने बैग में भरकर हवाई यात्रा करने जा रहे थे। कस्टम चेकिंग के दौरान एक्सरे मशीन में ये बात सामने आ गई। फिर क्या था, धरा गए वैज्ञानिक कस्टम ऑफिसर के हत्थे। ये वैज्ञानिक जानवरों पर शोध कर रहा था। उसका इस तरह हवाई यात्रा में जानवरों के कटे हुए अंग या किसी भी जानवर को स्मगलिंग के लिए ले जाना कस्टम नियम के खिलाफ है, जिसका जुर्माना वैज्ञानिक को भुगतना पड़ा। उस वैज्ञानिक को $2,000 का भुगतान करना पड़ा और उसकी उड़ान रद्द कर दी गई। इससे भी आगे की बात सुनिए। दुबई एयरपोर्ट पर एक बच्चे को बैग में छुपाकर ले जाया जा रहा था और ऐसा करने वाला और कोई नहीं, उस बच्चे के अपने माता पिता थे। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि उन्होंने क्या जवाब दिया। बच्चे के माता पिता ने बच्चे को बैग में छुपाकर ले जाने का कारण बच्चे का वीजा ना होना बताया। जरा सोचिए, कोई अपने ही बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। एक बात और है जो 2005 में मेलबर्न सिटी की है, जहां हर रोज की तरह वहां के इंटरनेशनल एयरपोर्ट यात्रियों की आवाजाही चल रही थी। वहां पर एक सुरक्षा अधिकारी की सब पर नजर थी सुरक्षा के लिए। तभी उसकी नजर एक महिला पर पड़ी। उन सुरक्षा अधिकारी को उस महिला की स्कर्ट कुछ अजीब सी लगी, वहीं उसकी चाल भी कुछ ठीक नहीं लग रही थी। जब उस महिला की महिला सुरक्षा अधिकारियों ने जांच पड़ताल की तो ऑफिसर हैरान रह गए। उस महिला की स्कर्ट में 51 ट्रॉपिकल मछलियां थी जो कि वह स्मगलिंग के लिए ले जा रही थी। महिला उसी समय गिरफ्त में ले ली गई। ये तो आप सब जानते हैं कि हवाई यात्रा में एक छोटा सा हथियार भी ले जाना नामुमकिन है, वर्जित है। पर आज तक की जितने भी कस्टम सुरक्षा की बात करें तो सबसे ज्यादा कस्टम में जो चीजें पकड़ी जाती हैं वो है हथियार, गैर कानूनी हथियार। एक गलती सेना के सिपाही से हुई। उसने अपने बैग में अपना हथियार बिना जानकारी के हवाई यात्रा में रख लिया, जिसका परिणाम कि जब कस्टम के अधिकारियों द्वारा चेकिंग की गई तब उसी को गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में सिपाही को छोड़ दिया गया, परंतु इससे ये साबित होता है कि किसी भी तरह का हथियार रखना वर्जित है। इंदौर दुबई इंदौर शुरू हुई फ्लाइट में यात्रियों के पास कस्टम नियमों की जानकारी का अभाव साफ देखा जा रहा है।
एक रात को दुबई से इंदौर आई फ्लाइट से आए यात्रियों की जब कस्टम विभाग की टीम द्वारा सामान्य जांच की गई, तो इसमें 3 यात्रियों के पास तय सीमा से अधिक शराब पाई गई। बता दें कि यात्री को इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अधिकतम 2 लीटर शराब लाने की पात्रता है, लेकिन इन 3 यात्रियों के पास कुल 13 लीटर शराब मिली, जो तय सीमा से 7 लीटर अधिक थी। भारत में शराब पर ही सर्वाधिक कस्टम ड्यूटी है। नियम के तहत ये शराब जब्त कर ली गई और इसकी कीमत पर 150% ड्यूटी ली जाएगी। यात्रियों ने अभी ये ड्यूटी जमा नहीं की है। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। दुबई से लाया 20 लाख का सोना बरामद हुआ है। 500 ग्राम सोना रेक्टम में छिपा कर लाया था यात्री। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए सोना तस्करी के आरोप में एक यात्री को गिरफ्तार किया है। उससे 500 ग्राम सोना बरामद हुआ है, जिसकी कीमत 20 लाख रुपए बताई गई है। पकड़ा गया यात्री दुबई से जयपुर आया था। यहाँ अधिकारियों ने संदिग्ध दिखने पर पूछताछ की तो मामले का खुलासा हुआ। कस्टम विभाग के अधिकारियों के अनुसार तलाशी के दौरान आरोपी के पास से सोना बरामद हुआ, जिसे वह लिक्विड शेप में बदलकर रेक्टम में छुपाकर जयपुर लाया था। इन सब बातों से एक बात सामने आ रही है कि जयपुर एयरपोर्ट आसान टारगेट है इन तस्करों के लिए। गौरतलब है कि जयपुर एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय सोना तस्करों की निगाह में है। माना जा रहा है कि पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली सहित उत्तर भारत में गोल्ड स्मगलिंग के लिए इंटरनेशनल स्मगलर जयपुर एयरपोर्ट को जरिया बना रहे हैं। तस्करी के जरिए ज्यादातर सोना मस्कट, अबुधाबी, बैंकॉक, सिंगापुर से भारत लाया जा रहा है। ये देश के निकट भी है और यहाँ की फ्लाइट का किराया भी कम है। दोस्तों, आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इसी तरह की और जानकारी पाते रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।